कोई धन है जी। पता है आज के दिन क्या हुआ? मैं इंटरनेशनल गुजर महासभा जनरल सेक्रेटरी जहांगीर चौहान। आज कारगिल विजय दिवस यहां पे मनाया जा रहा है। ये 99 कारगिल लड़ाई के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और ये FIOGR ने स्पेशली हमें यहां पे इनवाइट किया था, उसका हम धन्यवाद करते हैं। और यहां पे बहुत अच्छे NCC कैडेट भी आए और सिविलियन भी यहां पे आए और महासभा के लोग भी आए, सब ने यहां पे एंजॉय किया। जय हिंद। आज कारगिल दिवस है और आज कारगिल दिवस पे ये मेरा सौभाग्य है कि मैं गुलमर्ग में हूँ
और यहाँ पर कारगिल दिवस की सेलिब्रेशन हो रही है और मैं अपने जज्बे को रोक नहीं सकी और इस सेलिब्रेशन में आकर शामिल हो गई और अपने जवानों का अपने उनकी देशभक्ति देख के मेरा मन बहुत खुश हुआ है। आज के दिन उनकी इसी देशभक्ति की वजह से हम ये कारगिल दिवस मना रहे हैं। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने देश को जीत प्राप्त करी है और मैं चाहती हूँ कि ये जज्बा उनके अंदर बना रहे और हमारे देश का झंडा हमेशा ऊंचा लहराता रहे। जय हिंद। मेरा नाम है कर्नल देव आनंद सिंह लोहा मरोड़। हमारा इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आना हुआ है। जो आप जानते हैं कि कारगिल का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदुस्तान के रणबांकुरों ने वो बहादुरी का परिचय दिया था जिससे कि पाकिस्तान को यहाँ से भागना पड़ा था। इसका अहमियत हम इस नज़रिए से देखते हैं कि उस युद्ध में जो विजय गाथा हमारे सैनिकों ने लिखी गई, देशवासियों ने एक साथ उनका समर्थन किया, उसके बाद देश और दुनिया में जिस प्रकार से एक हमारे भारत का एक अलग वर्चस्व बना, बहुत बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं एक वेटरन होने के नाते, मैं 5 वर्ष गुजर चुके हैं, रिटायर्ड हूँ, पर इस जगह आने का मकसद यह है कि ये जो मसाल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये मसाल उस पूरे भारत के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की ओर से हमारे सैनिकों के सम्मान में हम लेके पूरे इलाके में इस मसाल का लेके जाया जा रहा है। मैं आपके मार्फत आज यहाँ ये फर्स्ट 5GR का जो ये कार्यक्रम रखा गया है, मैं आपको बताऊं, ये वो पलटन है जो करीब 150 वर्ष पुरानी है और 4-4 विक्टोरिया क्रॉस जीतने वाली ये पलटन है। और जिस प्रकार से इन्होंने आज ये पूरे सम्मान के साथ NCC के बच्चे और हमारे सिविलियन, गुर्जर महासभा के कार्यकर्ता और सारे मौजूद रहे, तो एक बहुत बड़ा सफल कार्यक्रम मानता हूँ और आप सबको बधाई देना चाहूँगा। इसी तरह इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो हमारी मशाल जो सैनिकों के उनके बलिदान और उनकी शौर्य गाथा बताती है, हम नतमस्तक करते हैं सबके लिए।